चलो एक गेम खेलते हैं जिसमें सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम दोगी। तो सवाल नंबर एक, ये बताओ कि फ्रिज में हम ज़ेब्रा को कैसे डालेंगे? जी? जब जवाब नहीं आता है तो पता नहीं क्या होता है। इतना सिंपल सा जवाब तुम्हें नहीं आया? हाँ, जैसे बाकी सारी चीजें फ्रिज में डालते हैं, फ्रिज खोलेंगे और ज़ेब्रा को डाल देंगे। चलो एक मौका और देता हूँ। अब ये बताओ कि हाथी को हम फ्रिज में कैसे डालेंगे? जी, फ्रिज खोलेंगे और हाथी को डाल देंगे। फ्रिज में तो ज़ेब्रा है, तो पहले उसे बाहर निकालेंगे और फिर हाथी को डालेंगे। अब मैं तुम्हें इतना मार नहीं सकता, थोड़ा प्यार भी तो करूंगा। अब पता नहीं क्या करना है तुम्हें। चश्मा कहाँ है? आई माँ जी। माँ जी, आपकी चाय। राधा बैठ, आज ना मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। एक जंगल था, उस जंगल में एक भेड़िया रहता था और एक खरगोश रहता था। वो भेड़िया हमेशा उस खरगोश के जान के पीछे पड़ा रहता था। खरगोश बेचारा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागता रहता था। जंगल के सारे जानवरों के पास गया लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। डरा डरा सा खरगोश ऐसे ही जी रहा था। एक दिन वो भेड़िया फिर से खरगोश के पीछे पड़ा। खरगोश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी जान मुट्ठी में लेकर दौड़ने लगा। इतना दौड़ा कि वो भेड़िया के हाथ ही नहीं लगा। तब उस खरगोश को ये बात समझ में आई कि अगर अपनी जान बचानी है, अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, तो हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। किसी और की मदद के भरोसे हम अपना जीवन सुरक्षित नहीं कर सकते। कितने दिन में तेरे साथ रह पाऊंगी, इसलिए बेटा खुद की हिफाजत खुद करना सीख। किसी और के भरोसे मत रह। तुझे खुद की लड़ाई खुद ही को लड़नी पड़ेगी, समझी? दादा, खाना लगा दो मेरा। अरे आप इतने जल्दी आ गए, आप फ्रेश हो जाओ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। हाँ, मतलब खाना बना ही नहीं यार। लेट आओ तो प्रॉब्लम और जल्दी आओ तो खाना पका ही नहीं मिलता यहाँ पर। अजी,
अरे गुस्सा क्यों हो रहा है बेटा? अरे मेरा चश्मा टूट गया था तो उसे बनवाने चली गई थी, इसी में थोड़ी देरी हो गई, अभी बना देगी। जा बेटा बना दे जल्दी। जी माँ जी। माँ आपने इस तरफदारी मत किया करो, ठीक है? अब इसमें तरफदारी की क्या बात है, सच तो बोल रही हूँ। ठीक है मैं अभी बना दे। हेलो, अरे तुम रो क्यों रही हो? एक काम कर, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ। हाँ अभी आ रहा हूँ। मोहन कौन है? मोहन क्या हुआ? किसका फोन था? याद है हमारे ऑफिस में पांडे जी थे, ये उनकी बेटी दीप्ति है। कोरोना में पांडे जी और उनकी बीवी की डेथ हो गई, तो फिर ये 2 महीने के लिए पीजी में शिफ्ट हो गई और पिछले कई टाइम से इसने रेंट पे ही नहीं किया है, तो उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया। और इतनी रात को मैं अकेले कहाँ जाती? मैं घबरा गई थी और मैं मोहन भैया को जानती थी तो मैंने इन्हें कॉल कर दिया, तो मैं इसे लेकर यहाँ आ गया। बहुत अच्छा किया बेटा तूने। और बेटा सुन, जब तक कुछ इंतजाम नहीं होता है ना, तब तक यहाँ पे रहना आराम से। हाँ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये राधा है मोहन की बीवी। बेटा खाना लगा। हाँ मैं खाना लगाती हूँ। पानी, तुझे पता है मैं कैसा पानी पीता हूँ? ठंडा। इसे ठंडा पानी कहते हैं? हाँ ये ठंडा पानी है, देखिए आप, मैं फ्रिज में से ही निकाल के लाई हूँ। ठंडे का मतलब जब गिलास में पानी डालो तो उस पे पानी की बूंदें जम जाए। जमी जमी इसमें? नहीं आप मुझे मार नहीं सकते। माँ जी ने बोला है जब आप मुझे मारो ना मैं आपको रोकूं। तूने माँ से मेरी शिकायत की है? खैर माँ ने अगर मना किया है तो सुन तो, मेरा जरा चश्मा देखना कहाँ रखा है। कहाँ पर? वो ड्रॉवर में देखना तो। ओके। पता नहीं मैं भी ना कहाँ रख के भूल जाती हूँ, है क्या?
एक सेकंड, हाँ कर, एक सेकंड। थैंक यू। हाँ क्या, एक सेकंड। तो कैसी चल रही है पढ़ाई, एग्जाम की तैयारी? नेक्स्ट वीक एंट्रेंस एग्जाम है मेरी, तो बस उसी की तैयारी में लगी रहती हूँ। तो रात भर फोन पर उसी की तैयारी रहती है? कौन है वो बता दो। मेरे नाम मंगेतर है, दिल्ली में रहते हैं। हमारी शादी तय हो गई थी पर मम्मी पापा की डेथ के बाद वो पोस्टपोन हो गई। कब मिलवा रही हो उससे? वो ना एक्चुअली काम में बिजी रहते हैं, पर जल्दी मिलवाऊंगी। ठीक, पक्का ना? राधा। अरे माँ जी सुन तो। अरे भाई क्या गप्पे हो रही है दोनों की। बैठिए। ये भगवान। माँ जी आपके लिए चाय लेकर आती। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं चाय नहीं चाहिए। तो एक काम करना, मेरी वो दवा लेके आ जा, थोड़ी मालिश करवा दे। जी अभी। बहुत पैरों में दर्द हो रहा है सुबह से। जी अभी लेकर आई। अरे दीदी आप बैठी ना आराम से, मैं दवाई लेकर आती हूँ, मैं कर देती। अरे नहीं मैं लेकर आती हूँ दवाई। नहीं 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 बेटी तू रहने दे, वो है ना वो कर देगी। अब आप बेटी भी बोल रही हैं और बेटी होने का फर्ज भी अदा नहीं करने देंगी। मैं लेकर आती हूँ। दीप्ति अपने मंगेतर से तो मिलवाया नहीं, कब मिलवा रही हो? वो थोड़े बिजी चल रहा है ना, उनसे बात की है, मैं जल्दी मिलवाऊंगी आपको। पक्का ना? पक्का। एक सेकंड ना दीदी। दीप्ति, दीप्ति क्या हुआ? अरे दीप्ति रो क्यों रही हो, क्या हुआ बता मुझे, क्या है फोन में? मेरे मंगेतर ने मुझसे शादी तोड़ दी। क्या? ये उसने ठीक नहीं किया, मुझसे पहले शादी का वादा किया और फिर शादी तोड़ दी। अरे दीप्ति, दीप्ति संभालो अपने आप को। मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ और अब आप लोगों पर भी बोझ नहीं बन के रह सकती मैं। नहीं दीदी। नहीं दीप्ति नहीं, मेरी बात सुन। नहीं दीप्ति क्या कर रही हो, पागल हो गई क्या, किसी के लिए जान दे रही अपनी? दीप्ति मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा मोहन। जी माँ। आज मुझे हरिद्वार जाना है, श्राद्ध आने वाले हैं ना, उसके लिए। माँ पता है लेकिन ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये माँ को दो। कोई बात नहीं है बेटा, अपने पड़ोसी वर्मा जी है ना, उनका परिवार भी जाने वाला है, तो मैं उन्हीं के साथ चली जाती हूँ। राधा तुम एक काम करना, माँ को आईएसपीटी छोड़ाना। जी ये लीजिए माँ जी। जी देखो पानी मैंने रख दिया है और आपकी दवाई यहाँ रखी है। सारी दवाई रख दी ना बेटा? सारी दवाई रख दी। चलो अभी लेट हो रहा है। चलो जी। अब मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे तू क्यों परेशान हो रही है? हाँ एग्जाम है ना तेरी, तू पढ़ाई कर,
और अंदर से ना लॉक कर देना दरवाजा, ठीक है जी? और अच्छे से पढ़ाई करना। चलो चलो। दरवाजा खुला रह गया था। अगर दरवाजा खुला नहीं होता तो इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारी कौन मदद करता? ये क्या है? इस घर में रहने के रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब इसके अकॉर्डिंग तुम मुझे किसी भी बात के लिए टोकोगी नहीं और कभी भी मेरे और दीप्ति के बीच नहीं आओगी। मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, पर हाँ, माँ को मेरे दीप्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर तुमने एक भी रूल तोड़ा ना तो तुम्हें उसी समय घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। बिना सामान के और बिना पैसों के। इसकी क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें कल ही कह दिया था कि मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे और इस दीप्ति के बीच में। और कल को अगर माँ आ गई और माँ के सामने तुम पलट गई तो मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन बिताना नहीं चाहता। मुझे दीप्ति पसंद है और मैं दीप्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, समझी? तो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं कर सकती हो ना तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और ये घर से निकलो। नहीं मोहन, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दया करो। साइन कर मोहन, प्लीज। चल साइन कर, साइन 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 कर इस पर।
सुनिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे लिए दवाई ला दो ना। नौकर है तुम्हारा, खुद जाके ले लो। मोहन प्लीज, सच में मुझे मेरा ना आज एग्जाम है, आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं। चले गई हूँ मैं, इतनी शॉपिंग तो मैंने कभी नहीं की, बहुत प्यास लगी है। राधा, पानी लेकर आओ। तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, घर में कोई थका हुआ आया है तो जल्दी पानी लाना चाहिए। अब इतने सारे नए कपड़े खरीदे हैं तो पहन के नहीं दिखाओगी? अभी दिखाती। राधा, मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है, जाओ बाहर से लेकर आओ। अभी धूप है, शाम को लेकर आऊंगी। मुझे मना करेगी? याद है ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर क्या लिखा है? अगर मेरी किसी काम को करने से मना किया ना तो मोहन को बता दूंगी, फिर तुझे उसकी लाइफ और घर दोनों से निकलना होगा। बोलो दीदी, चलेगा ना तुम्हें? लेकर आती हूँ। चॉकलेट फ्लेवर लेकर आना। माँ को भी चैन नहीं है। हाँ माँ। मोहन बेटा, बेटा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा सुन ना बेटा, मेरी जरा राधा से बात करवा दे। हाँ करवा दूँ माँ। अरे वो दान करने के लिए जो कपड़े रखवाए थे ना, वो बैग में मिल ही नहीं रहे, जरा पूछ तो। माँ का फोन है, बात कर। माँ जी का। हेलो माँ जी, कैसे आप? राधा, राधा कैसी है बेटा तू? ठीक है ना? अच्छा सुन, वो दान करने के लिए जो कपड़े रखवाने के लिए बोला था, वो कहाँ रखे? बैग में मिल नहीं रहे। हाँ, वो साइड वाली जो सिप है ना, वही होंगे माँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। राधा बेटा तू ठीक तो है ना? बहू सुन रही है तू? हेलो हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी ना, तो गला भर है। आप? हाँ माँ, माँ सब कुछ ठीक है, मैं आपकी बहू का ध्यान रखूंगा, आप भी अपना ध्यान रखो। पागल हो गए हो क्या? हाँ, ऐसे अपना फोन उसके हाथ में देने के लिए किसने कहा? हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, लेकिन अगर माँ जी के आने के बाद उसने अपना मुंह खोल दिया तो? अरे राधा है ना, बहुत डम औरत है। सच कहूँ तो हमें कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो तुमने मुझे फोर्स किया तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। ये राधा मर जाएगी पर अपना मुंह नहीं खोलेगी, तो तुम रिलैक्स करो,
और तुम्हें अभी एक डेमो दिखाऊं? डेमो देखना चाहोगी? राधा इधर आओ। जी कहिए। राधा ये कौन? मेरी बहन। मैं कौन हूँ? मेरे पति। तुम कौन हो? आपकी पत्नी। पत्नी पति के लिए क्या करती है? जो पति कहते हैं। तो पति ने कहा बाय मुड़। जी बाय मुड़। पति ने अब कहा दाएं मुड़। जी ये क्या? दाएं मुड़। पति ने कहा दो कदम आगे चल। इतना ही प्यार करते हो तो अभी तक मुंह में दही क्यों जमा कर रखा था? तो तुम भी तो कुछ नहीं बोल रही थी, मैं क्या करता? छुप छुप कर मेरी फोटोज ले रहे थे तुम? तुमने क्या किया मेरे लिए? मैंने क्या किया? ये मंगेतर वाली कहानी मैंने ही तो बनाई थी। तो मैंने भी तो तुम्हारे लिए बेबी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, भूल गई? मैंने क्या गलती की जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मैंने तो एक पत्नी का खरा फर्ज अदा किया है। जो जो पति ने कहा वो मैंने किया, फिर भी मैं उन्हें खुश नहीं रख पाई। एक माँ जी ही थी जो मेरी हर बात सुनती थी, मुझे समझती थी, मुझसे बातें करती थी, वो भी यहाँ नहीं है। मैं अपना दर्द किसे कहूँ? किसे अपना दुख साझा करूँ? आप माँ जी को जल्दी भेज दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। खुश रहो। कैसी बेटा तू? मैं ठीक हूँ माँ जी। आइए। बहू? जी माँ जी। तू बाहर सोफे पे सोई थी? नहीं, वो देर रात तक मोहन का काम चल रहा था ना, वो लाइट चालू करके काम कर रहे थे और मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं बाहर आके सो जाती हूँ। अच्छा, आप आइए ना, आपको फ्रेश होना होगा। आइए। क्या? अब मैं ये नहीं करने वाली,
तुम्हारे कारनामे छुपाने के लिए मैं माची को गोली नहीं दूंगी। लगता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में जो लिखा है वो तुम भूल गई। पकड़ो, जाओ देकर आओ। किसने मारा? आपने आपके खुद के बेटे को ही मार डाला। बेटा मत कहिए उसे, कसाई था वो। मोहन ने मेरे लाड़ प्यार का फायदा उठाया। बचपन से उसकी बदतमीजियों को मैंने नजरअंदाज किया। सोचा शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा। कुछ दिन ठीक रहा लेकिन फिर वो दिल्ली आया और फिर से अपनी पुरानी पीने की आदत शुरू कर दी। मेरी बहू पर जाती करने लगा। कुछ दिनों के बाद जाती बढ़ गई लेकिन फिर भी मैं चुप रही। बाद में उसने बहू पे हाथ उठाना शुरू किया। सब देखा नहीं जा रहा था। मैंने इन सब से दूर जाने का फैसला किया और शाद के बहाने हरिद्वार चली गई। लेकिन वहां जाने पर भी बहू को लेकर मैं चिंतित रही। सोचती थी मेरे होते हुए मोहन बहू की इज्जत नहीं करता तो मेरे ना होने पर बेचारी किस हालत में होगी। मैंने फोन भी करने की कोशिश की लेकिन मोहन ने मेरी कभी बहू से ठीक से बात नहीं होने दी। इसलिए मैं वापस चली आई। वापस आने के बाद जो देखा उसमें मैं विश्वास ही नहीं कर सकती थी। ने मिलकर मेरी बहू को नौकरानी बना दिया।
अरे राधा क्या करती है तू? सच माँ जी मैं ठीक हूँ माँ जी। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? हाँ देख तू जरा कितना जल गया, संभाल के काम नहीं कर सकती। नहीं माँ जी मैं ठीक हूँ, बस मुझे लगा शायद कुछ और बात होगी, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, लेकिन मैंने दीप्ति के बदलते रवैये को नोटिस किया, वो बहुत बदल गई थी। आप माँ जी खाना तैयार है? अच्छा बन गया जी। क्या बना बेटा आज? रोटी और भिंडी की सब्जी। अच्छा राधा मुझे रोटी नहीं खानी, मेरे लिए पराठे बना दो। ठीक है। दीप्ति के कहने पे राधा मुझे दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाने लगी ताकि मुझे कुछ भी पता ना चले। मैं सुबह उठती तो मेरा सर भारी रहता था, एक दिन मैंने दूध ही नहीं पिया तो मेरा सर भारी ही नहीं हुआ। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मोहन मार कब तक यहाँ रहेंगी? उनके आने से हम बंद से गए। तुम टेंशन मत लो, माँ वापस हरिद्वार जाने वाली है, उनके यहाँ से जाते ही हम वापस मैनेज कर देंगे। फिर मैंने दूध पीना ही बंद कर दिया। जब भी राधा दूध का ग्लास लेकर आती मेरे पास मैं चुपके से खिड़की से बाहर गिरा देती थी दूध को। और कल रात जब मैं अपने कमरे से बाहर आई मुझे सब पता है। बस बेटा बस। मेरी जिंदगी तो अब कुछ दिनों के मेहमान है,
लेकिन मेरी राधा की पूरी जिंदगी पड़ी है। बेटे के मोह में मैंने कभी कुछ नहीं कहा उसे, कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आज मैंने अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और घर मेरी बहू राधा के नाम कर दिया है। नहीं बेटा, मत रो, मत, बहुत रो लिया तुझे, अब मत रो। जी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, गलती मेरी भी है। जुल्म करने वाले की जितनी गलती होती है ना, उतना जुल्म सहने वाले की भी होती है। सब देखकर मैं अनदेखा करती रही, सब सुनकर मैं अनसुना करती रही। आज मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा माजी। अगर मैं सही वक्त पर आवाज उठाती तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, माजी, नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। नहीं राधा, चुप कर। आप मुझे बार बार समझाती रही, मैं समझी नहीं, क्योंकि माजी मुझ में ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी विरोध करने की। मैं डर गई थी अंदर से, मैं डर गई थी। मुझे माफ कर देना। अगर सही समय मैंने आवाज उठाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये क्या चले इनको? नहीं 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 माजी, नहीं, मेरी माजी का कोई कुछ नहीं है, मेरी माजी का कुछ नहीं है। माजी नहीं, माजी, माजी नहीं, माजी, माजी।